हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज जो मैं अभी मैंने हेयर वॉश करा है, तो इसके साथ साथ जो है मैं फेस के लिए कुछ करने जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो मेरी वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं छत पर आई हूँ और छत पर क्या करने आई हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। चलिए, तो देखिए गाइस, ये है मेरा एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा। बहुत सारे एलोवेरा है, ये देखिए गाइस, यहाँ भी है एलोवेरा और यहाँ भी है, क्योंकि गाइस मेरे को एलोवेरा बहुत पसंद है। इसका मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, काफ़ी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं एलोवेरा का किस किस चीज़ों में यूज़ करती हूँ। आप सभी को पता ही एलोवेरा कितना नेचुरल, कितना अच्छा होता है हर चीज़ के लिए। देखिए गाइस कितना सारा है। तो इसमें से जो है मैं थोड़ी सी तोड़ लेती हूँ यूज़ करने के लिए, फेस पर लगाने के लिए। ये जो है मैंने तोड़ लिया है, थोड़ी सी लीव तोड़ ली है। तो देखिए गाइस, ये मैंने एलोवेरा लीव्स को जो है तोड़ लिया। अब इसका मैं क्या करूँगी नीचे जाके आप सभी को दिखाती हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना, कंटिन्यू रहना, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसका किस चीज़ में यूज़ करूँगी, क्या करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रही। तो गाइस, मैं नीचे आ गई हूँ एलोवेरा को देख लेके। ये देखिए गाइस, अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ वो तो मैं अभी करूँगी, उससे पहले आपको मैं किसी से मिलवाती हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा प्यारा सा रैबिट है चीकू। ये देखिए गाइस, इसका नाम है चीकू, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है मेरा बाबू। देखिए गाइस, मैंने इसको गोद में ले लिया, पकड़ लिया, भागता रहता है इसीलिए मेरे को घूर रहा है। इसका नाम है चीकू। कैसा लगा मेरा प्यारा सा चीकू, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताना, और यही बताना कि इसके जैसा किस किस के पास चीकू है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरा चीकू कैसा लगे, देखो नीचे उतरने के लिए, भागने के लिए, खेलने के लिए उतर रहा है। और मेरा चीकू कैसा लगा आप सभी को ये भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलोवेरा लगाना। चले, तो देखिए गाइस, मैंने ये एलोवेरा लीव्स ले ली है। अब इसको जो है वॉश कर लेंगे, वॉश इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी होती है और इसमें जो ये येलो येलो से निकल रही है ना, ऑयल सा जो निकल रहा है, इसको हम वॉश करके पूरा हटा देंगे, क्योंकि ये हमारे फेस के लिए साइड इफेक्ट करता है। तो इसको हमें निकाल देना है पूरा, इसकी येलोनेस, इसको वॉश करके इसको पूरा निकाल देना है। तो पूरा ऊपर से नीचे तक वॉश कर लेना है इस तरीके से। वॉश कर लिया, अब इसको अच्छे से साइड से इसको कट कर देना है। साइड से कट करने के बाद ये ऊपर से इसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से कर देंगे ताकि जो इसका जेल है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से कर देंगे, ताकि इसका जेल बहुत अच्छे से इसका इसके अंदर से रिमूव करें, कि बहुत अच्छे से इसका जेल निकल रहा है। इस तरीके से निकालने से जेल अच्छे से निकल जाता है। जैसे इसको निकालेंगे इस तरीके से, वैसे इसको फेस पे अप्लाई करेंगे गाइस, इस तरीके से। फेस पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। इसको हफ्ते में दो बार तो लगाना ही चाहिए। थोड़ा चिपचिपा सा लगता है लेकिन लगा के और वॉश करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। लगाते टाइम थोड़ा चिपचिपा सा लगता है,
तो गाइस मैंने इसको अच्छे से पूरा अप्लाई कर लिया फेस पे। इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पे। देखिए गाइस मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब इसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसको हम वॉश कर लेंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं छोड़ देती हूँ इसी तरीके से। फिर सूखने के बाद मैं आपको इसको वॉश करने के बाद दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो गाइस जो मैंने अभी एलोवेरा जेल लगाया था उसको मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब उसके बाद आप किसी भी सूती कपड़े से इसको क्लीन कर लें। मैंने अच्छी तरीके से आप इसको क्लीन कर लिया है। देखिए गाइस मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है, स्मूथ सा लग रहा है, काफ़ी फ्रेश सा लग रहा है। तो आप लोग भी हफ्ते में कम से कम दो बार तो ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि मैं भी करती हूँ। किसी के पास टाइम नहीं हो, इसका तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, काफ़ी अच्छा होता है और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है जो आप नहीं बना पाते हो। तो कम से कम नॉर्मली एलोवेरा जेल, इसमें कुछ भी मिक्स ना करके, मैंने भी इसमें कुछ मिक्स नहीं किया, नॉर्मली एलोवेरा जेल लेके आप हफ्ते में दो बार तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि इससे क्या है, डार्क सर्कल्स हट जाते हैं और हमारा फेस काफ़ी स्मूथ रहता है, अच्छा लगता है। तो कुछ ना सही, कम से कम दो बार इसको नॉर्मली जेल तो ज़रूर अप्लाई करिए। क्योंकि मैंने भी इसकी लिप्स ली, उसमें से जेल निकाल के देन फेस पे अप्लाई कर लिया एंड वॉश कर लिया और कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा चिपचिपा सा लगता है लेकिन वॉश करने के बाद बहुत अच्छा सा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर लगाना। और इसकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि नेचुरल होता है, इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ, घर की चीज़ें इसमें मिक्स करके मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा, तो मैं आपको एक एक करके सारी वीडियो शेयर करूँगी। जब जब मैं इसकी चीज़ें बनाऊँगी तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है इसको। और आज का वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ क्योंकि अभी मेरे को इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनानी है, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरा फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है SANORITA सैनोरिटा स्पेस JSO जस्सो, सैनोरिटा जस्सो। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, आप लोग फॉलो कर लेना। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी फिलहाल बाय। देखो गाइस चीकू क्या कर रहा है, आराम से बैठ गया ये, मैं वीडियो बना रही थी आराम से बैठ गया। गाइस मैं वीडियो बना रही थी आराम से, नीचे बैठा हुआ था चुपचाप बेचारा।